सबसे पहले हम बात करेंगे योगी सरकार के एक बड़े फैसले की, मुजफ्फरनगर दंगों में मुकदमे वापसी की। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 मुकदमे और वापस लेने की इजाजत दे दी है। इसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है। बता दें कि सरकार ने अब तक कुल 76 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे चुकी है, जबकि 12 मुकदमों की वापसी को लेकर शासन में अभी भी प्रक्रिया जारी है। कुल 114 मामलों में केस वापसी की मांग की गई थी। इसके बाद सरकार की ओर से एक के बाद एक कदम इस ओर उठाए जा रहे हैं। शासन की तरफ से जिन मुकदमों की वापसी की अनुमति दी गई है वो पुलिस और पब्लिक की तरफ से दर्ज कराए गए केस थे। ये सभी केस आगजनी, लूट, डकैती की धाराओं में है। तो 12 मुकदमे की वापसी को लेकर अभी सरकार में प्रक्रिया चल रही है। कुल 114 मामलों में केस वापसी की मांग की गई थी। मुजफ्फरनगर दंगे के 20 और मामले वापस होंगे, ये एक बड़ा फैसला है। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, बताया जा रहा कि जो 20 फैसले हैं वो और वापस होंगे, इसे किस नजरिए से देखा जाए? सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, देखिए बात नजरिए करेंगे तो ये सारे मूव जो है पॉलिटिकल मूव आप इसे कह सकते हैं। बीजेपी को पश्चिम में अप्रत्याशित जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो पश्चिम से था। एक बार फिर 2022 के चुनाव में जाना है, उससे पहले उपचुनाव है। पार्टी कम से कम चाहती है कि एक बड़ा मैसेज पश्चिम में जाए। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसके बाद आपने देखा कि सबसे पोलराइजेशन पश्चिमी यूपी में हुआ था, और बीजेपी ये चाह भी रही थी कि पोलराइजेशन जो है और पुख्ता हो। बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि वो किनके साथ है, और ये दंगे के जुड़े मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया योगी सरकार में शुरू हुई थी। कुल 114 मुकदमे थे जिसमें माना गया कि कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जो एक ही सेक्शन में अलग अलग, एक ही व्यक्ति पर अलग अलग सेक्शन में दर्ज है, उन सभी को क्लब किया गया, और करीब 93-94 मामले हुए जो फ्रेश FIR थे। इन मुकदमों को वापस लेने की सरकार ने प्रक्रिया शुरू की। कोर्ट में जो मामले चल रहे थे उसमें कोर्ट सरकार की तरफ से, शासन तरफ से प्रत्यावेदन दिया गया इन मुकदमों को वापस लेने के लिए। 5 केसेस जो है वो कोर्ट से भी वापस हो चुकी है, 12 केसेस पेंडिंग है। अब तक कुल 76 मामले वापस लिए जा चुके हैं। 94 में से 76 मामले सरकार ने वापस लिए हैं, 5 कोर्ट के जरिए वापस हुए हैं, 12 मामले अभी भी पेंडिंग है, जिसमें जो सरकार में यूपी सरकार मंत्री हैं सुरेश राणा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बारियान उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, विधायक हैं संगीत सोम उनके खिलाफ है, उमेश मलिक हैं, इन लोग की केसेस जो है अभी भी उनकी पेंडिंग है, प्रक्रिया चल रही है, सरकार भी इन केसेस भी वापस। लेकिन विनोद जिस तरह धीरे धीरे करके, क्योंकि जब सरकार बनी थी उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और बताया जा रहा है करीब 114 मामलों में केस वापसी की मांग की गई थी, तो जिस तरह से अब केस वापस लिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हो सकता है कि सरकार पूरे के पूरे जितने 114 मामलों के केस वापसी की गई थी मांग, शायद उसको पूरा कर दे। 114 FIR थे, लेकिन कई सारे FIR ऐसे थे जो सेम सेक्शन में सेम व्यक्ति के पास थे, एक एक व्यक्ति के नाम से 3 या 4 मुकदमे दर्ज थे। इनको क्लब कर दिया गया, इन FIR को एक साथ किया गया, और इस तरह से कुल 94 मामले हुए। इन 94 ही मामलों को सरकार वापस लेना चाहती है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी सरकार बनने के बाद से ही। अब सरकार ने जो है यूपी सरकार ने वो 76 मामले वापस ले लिए हैं, 5 मामले कोर्ट से वापस हुए हैं, और अब 12 मामले और बचते हैं जिनकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये सभी मामले जो 94 मामले हैं वो सभी मामले सरकार वापस ले लेगी, और इसके पीछे साफ मकसद है जिस तरह से बताया कि एक मैसेज देना है सरकार को कि वो पश्चिम में खास करके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और जो संभल का इलाका है, किस तरह से सरकार किनके साथ खड़ी है, कैसे जो गलत FIR हुई थी, सरकार का मानना था कि ये सपा सरकार में गलत तरीके से लोगों को फंसाने के लिए इस तरह के FIR दर्ज। लेकिन विनोद जिस तरह सरकार ने अब ये फैसला लिया है, अब इस पर सियासत भी होना लाजमी है, और विपक्ष सरकार पर सवाल उठाएगा कि कहीं ना कहीं ये अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने, और जब इससे पहले जब करीब 48-46 मुकदमे वापस हुए थे, 56 मुकदमे वापस हुए थे, आप करिएगा, तब भी सवाल उठे थे, और लगातार विपक्ष ने सवाल उठाया था कि सरकार जो है अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह के मामले को वापस ले रही है। लेकिन सरकार का दावा था कि ये चूंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूटेड मामले हैं, सियासी मामले हैं, जो सियासी लोगों को फंसाने के लिए मामले दर्ज किए गए थे, इसीलिए इनको वापस लेने का फैसला सरकार ने किया है।
वही विपक्ष का मानना है क्योंकि सरकार इनकी है और अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे में आरोपी थे उनको सरकार बचाना चाहती है और इसीलिए इनको वापस करी है कि सरकार का दावा है कि क्योंकि ये पॉलिटिकली कंस्पेटेड मामले थे इसीलिए इनको वापस लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। आपको बता दें सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 मुकदमे वापस लेने की तैयारी की है। सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी है। मुजफ्फरनगर दंगों में मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। केस वापसी की मांग की गई थी जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने 20 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। सरकार अब तक 76 मुकदमों को वापस ले चुकी है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में जब अखिलेश की सरकार थी उस वक्त एक बड़े दंगे हुए थे और बड़े दंगे के दौरान कई केस दर्ज हुए थे। अब उन केसों को वापस लिया जा रहा है और अब इस पूरे मसले पर सियासत होगी क्योंकि विपक्ष आरोप लगाएगा कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी धार दे रही है और इसलिए ये केस वापस हो रहे हैं। जिसमें आपको बता दें बीजेपी के तमाम नेताओं पर भी केस दर्ज हैं जिसमें बीजेपी के कई मंत्री और विधायकों के भी केस में। मनीष शुक्ला हमारे साथ, आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता और जुड़ गए हैं। मनीष जी, 20 केस वापस लेने का फैसला किया आपकी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों में, सर क्यों? 2017 में जो हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कहा था कि जो भी राजनीतिक कारणों से मुकदमे कायम हुए हैं उनको सरकार वापस लेगी। आपको ध्यान में हो जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उस समय राजनीतिक विद्वेष के नाते ढेर सारे मुकदमे कायम किए गए थे। अभी 40 मुकदमों को कोर्ट ने खारिज किया कि ये फर्जी मुकदमे थे। और उस समय जब हमारी सरकार रही थी तो भी हम इस बात पे कायम थे, मुजफ्फरनगर कांड में जो पीड़ित है उनके साथ हम थे। सरकार बनने के साथ भी अगर किसी के ऊपर राजनीतिक द्वेष के वश विद्वेष के नाते से मुकदमे कायम है और उसको कायम उसको वापस लेने का फैसला सरकार ने किया है, लेकिन सरकार का फैसला विधिक परीक्षण के बाद होता है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन होगा जी। लेकिन लेकिन विपक्ष ने जब पहले आपने मुकदमे हटाए थे तो सवाल उठाया था और विपक्ष अब भी सवाल उठाएगा क्योंकि आप अगर इस तरीके से मुकदमे वापस लेते हैं तो विपक्ष कहता है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, मैंने दो चीजें कही। देखिए कोई भी मुकदमे वापस लेंगे एक निश्चित प्रक्रिया है, उसका परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद ही मुकदमे वापस होते हैं। और जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे जब एक मंत्री के इशारे पे वहां मुकदमे कायम हो रहे थे उस समय हमारी सरकार रही थी विपक्ष में थे तो हमने आवाज उठाई थी कि कुछ लोगों के ऊपर राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, वो वापस होने चाहिए। आज सरकार में आने के बाद भी हम इस स्टैंड पे कायम है कि अगर कोई भी गलत तरीके से राजनीतिक विद्वेष के नाते राजनीतिक कारणों से मुकदमे कायम हुए हैं तो वापस होने चाहिए, उसको प्रक्रिया में भेजा जाएगा और प्रक्रिया में अगर ये लगता है कि नहीं। तो मनीष शुक्ला जी, क्योंकि 114 मामले ऐसे हैं जिनकी केस वापसी की मांग की गई है और करीब 76 मुकदमे आप अब तक वापस कर चुके हैं, तो क्या ये सब आपको लग रहा है कि सब फर्जी मुकदमे थे या ये है कि जिसकी सरकार जैसा चाहे ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। मैंने लगातार इसीलिए एक बात तो आप कहिए ना कि ये फर्जी मुकदमे थे ये सब अखिलेश सरकार में, ये फर्जी मुकदमे दर्ज हुए? ये बात तो हम लोग जब सरकार में नहीं थे उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कहा था, अगर आप याद करिए तो। नहीं अब वो तो पता। हाँ लेकिन देखिए किसी भी मुकदमों को वापस लेने की एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसका परीक्षण होता है, डीजे और डीएम उसका परमिशन देता है, उसके बाद मुकदमे वापस होते हैं, सरकार को भेजती है, सरकार किसी भी प्रार्थना पत्र को फॉरवर्ड करती है कि ये हमारे पास प्रार्थना। मनीष जी आप बने रहिएगा। हिलाल लकवी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। हिलाल लकवी जी, मुजफ्फरनगर में जो 20 केस है और वापस ले लिए, पहले भी केस वापस लिए गए थे 20 और सरकार ने वापस लेने की अनुमति दे दी है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसे? जी एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस सरकार के ऊपर लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि अपराधियों को ये पूरी तरह से संरक्षण देते हैं और वो लोग जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि सरकार जो है वो स्वयं इस तरह से केसेस को वापस ले रही है और कहीं ना कहीं अपराधियों को न सिर्फ शरण दे रही है बल्कि उनको प्रोत्साहन दे रही है कि वो इस तरह की आपराधिक कार्य करें और सरकार उनको बचाने के लिए मौजूद है। इसकी जितनी निंदा की जाए जितनी मतना। लेकिन हिलाल नकवी जी, मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मुकदमे थे और फर्जी मुकदमे हैं, इनकी बाकायदा जांच करा रहे हैं और जो फर्जी निकलते जा रहे हैं उनको हटाने की परमिशन दे रहे हैं हम लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो कोतवाल बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए और उसके आदमी फिर खुद ही जल्लाद भी बन जाए, ये अभी इन्होंने नीति अपना रखी है। अगर फर्जी मुकदमे कोर्ट से छूट जाएंगे तो कौन सी ऐसी दिक्कत की बात है,
अगर ये मुकदमे फर्जी हैं तो ये कोर्ट से छूट जाएंगे। किस बात का डर है इनको कोर्ट में ले जाने में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने के कारण इस तरह से मुकदमों को वापस किया जा रहा है। मनीष शुक्ला जी आप सुन रहे हैं, आप लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये तो अभी एयर स्ट्राइक की बात होगी तो दूसरे के साथ चले जाएगी, इनकी बात का क्या महत्व? आप मैंने बार बार इस बात को कहा कि अभी मुकदमे सरकार जब वापस लेती है तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया का पालन होता है, प्रक्रिया के पालन के पश्चात ही मुकदमे वापस होते हैं। दूसरा, अभी 40 मुकदमे पेंडिंग किए हैं और उस समय जब हमारी सरकार नहीं थी और मुकदमे कायम किए जा रहे थे निर्दोषों के ऊपर, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि निर्दोषों के ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, राजनीतिक भावना के तहत कायम किए जा रहे हैं। उस समय हमारे विधायक के ऊपर NSA लगा, जिसको तत्कालीन जो एडवाइजरी कमेटी है उसने कैंसिल किया, उसी सरकार ने कैंसिल किया। तो निश्चित रूप से हम पीड़ितों के साथ तब भी थे, पीड़ितों के साथ अब भी हैं और किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है। लाल जी आप सुन रहे हैं, ये तो बीजेपी अपना इस तरीके से पक्ष रख रही है सर कि हम जो हटा रहे हैं ये है हमारी प्रक्रिया। नहीं, हम सीधी बात कर रहे हैं कि इनको न्यायालय में जाने में क्या दिक्कत है? अगर ये मुकदमे फर्जी हैं तो न्यायालय में जाने में क्या दिक्कत है? न्यायालय से सबके सब छूट करके बरी हो जाएंगे। आप स्वयं क्यों जज बन रहे हैं? आप ही वकील बन रहे हैं, आप ही जल्लाद बन रहे हैं, आप ही जो है वो तय कर देते हैं कि मुकदमे फर्जी हैं। तो कोर्ट किस लिए है? कोर्ट किस दिन के लिए है? अगर फर्जी मुकदमे वहां से छूट जाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला, दिक्कत किस बात की है इसके अंदर? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाह रही है और लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है, ये स्पष्ट इससे संदेश मिल रहा है। बिल्कुल, एक आखिरी प्रतिक्रिया मनीष शुक्ला जी, जो हिलाल नकवी जी कह रहे हैं कि आप ही खुद बन रहे हैं, आप ही अदालत, आप ही जज, आप ही सब फैसले ले रहे हैं, लेकिन आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके ही कोई कदम उठाती है और मुकदमे वापस लेने की एक न्यायिक प्रक्रिया है। और हिलाल साहब एक विद्वान प्रवक्ता है, या तो वो जानबूझ के झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके संज्ञान में नहीं है, या तो सही बोलना नहीं चाहते। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। हम आपको याद दिलाएं कि अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था, जिसको न्यायालय ने रोक दिया था। एक प्रक्रिया होती है, न्यायालय के पास पूरा अधिकार होता है कि जो सरकार की पैरवी है उस सरकार को उसको माने या ना माने, अगर सही होती है, अगर लगता है कि निर्दोष मामला है, सरकार मुकदमे वापस ले रही है, तो न्यायालय मानती है, नहीं तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया को वही रोक देती है। चलिए सर, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आप हमारे साथ हिलाल नकवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी कह रही है कि ये एक प्रक्रिया है, पूरी जांच कराई जा रही है और ये सब फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो फर्जी मुकदमे हैं उन्हीं को हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए हैं।